सो एज वी हैव रेड अप टू द पैराग्राफ लाइक हियर देन द टीचर शेयर्ड विद अस द सिचुएशन ऑफ परमवीर चक्र इट वॉज इट मीन्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मेडल्स द अवार्ड दैट आर गिवेन फॉर द गैलेंट्री ब्रेवरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ओके So we had discussed about the Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Shaurya Chakra, okay, and different types of different other types of the medals and awards, okay. So now, and Paramveer Chakra awardee Lance Nayak Albert Eckert is discussed about him that the teacher told the students about the situation of the Albert, okay, who has highly motivated the student for their nation, okay, and the girl is saying ki I was highly motivated that I aspire to be courageous like him when I will join the army, okay. So this is the situation about the Lance Nayak Albert Eka, okay. Lance Nayak Albert Eka was in the left forward company of the battalion of Brigade of Guards during their attack on the enemy defense at Ganga Sagar on the eastern front, okay. ईस्टर्न फ्रंट पे गंगा सागर के ईस्टर्न फ्रंट पे जो है वो डिफेंस के डिफेंस करते वहाँ पे गए थे ठीक है एंड ड्यूरिंग द अटैक और उन लोगों ने एनिमी पे अटैक किया हुआ था ठीक है दिस वाज अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी और पूरा एकदम फोर्टिफाइड पोजीशन था इट मीन्स कि किलाबद्ध तरीके से ठीक है ठीक ठाक ये लोग मजबूत तरीके से थे वहाँ पे बट देवर स्ट्रेंथ बाय द एनिमी और एनिमी जो है उस पर उन लोगों पे हमला कर दिए थे उसे अटैक कर दिया था उन लोगों ने द असल्टिंग ट्रूप्स असल्टिंग मीन्स यू कैन से अटैक ओके एंड ट्रूप्स मीन्स सैनिक कॉप्स या फिर फाइटर्स सैनिक जो थे ठीक है द असल्टिंग ट्रूप्स वर सब्जेक्टेड टू इंटेंस सेलिंग एंड हैवी स्मॉल आर्म्स फायर बट दे चार्ज ऑन टू द ऑब्जेक्टिव एंड वर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट ठीक है कह रहे हैं कि उनके ऊपर से गोलीबारी हो जा रही थी ठीक है क्या हो रहा था स्मॉल आर्म्स फायर ठीक है स्मॉल आर्म्स फायर हो रहे थे गोलीबारी हो जा रही थी बमबारी हो रही थी लेकिन ये लोग जो है अपने पीछे नहीं हटे ठीक है चार्ज ऑन टू द ऑब्जेक्टिव बट दे चार्ज ऑन टू द ऑब्जेक्टिव और जो उनका लक्ष्य था ऑब्जेक्टिव था ठीक है जिस बंकर को इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि बंकर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जो एनिमी का बंकर है उसको क्या करना है डिस्ट्रॉय करना है ठीक है किल करना है सो देवर चार्ज डॉन ठीक है हार नहीं माने एंड वर लॉक्ड इन बीटर हैंड टू हेड कॉम्बैट और फिर आमने सामने इनकाउंटर हो गया एनिमी से ठीक है और लड़ाइयाँ हो रही थी लैंस नायक एल्बर्ट एका नोटिस एन एनिमी लाइट मशीन गन इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअल्टी ऑन हिज कंपनी ठीक है तो ये जो लैंस नायक थे इन्होंने नोटिस किया कि एक लाइट मशीन गन है ठीक है जो उन लोगों पे जो उनके कंपनी है कंपेनियन जो है उनके साथी जो है उस पे क्या कर रही है हमला कर रही है ठीक है विद कंप्लीट डिसरिगार्ड विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी अपने खुद के बारे में वो बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए डिसरिगार्ड मीन्स परवाह ना करते हुए ही चार्ज द एनिमी बंकर बियोनेटेड मीन्स यू कैन से कि नाइफ ठीक है बियोनेटेड मशीन गन सॉरी बियोनेटेड टू एनिमी सोल्जर एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन जो लाइट मशीन गन थी उसको एक्चुअली दो एनिमी फाइटर जो है उसको रन कर रहे थे और ये क्या किए लैंस नायक जो है अपनी बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए आगे बढ़ गए ठीक है और जो दोनों एनिमीज थे उन्होंने इन हिंदी एक्चुअली बियोनेटेड कॉल इन हिंदी संगीन ठीक है नाइफ से ऐसा होता है हथियार होता है उससे उनको अटैक किया एनिमीज पे और दो एनिमीज को मार गिरा एंड फाइनली जो लाइट मशीन गन थी उसको साइलेंस कर दिया इन्होंने साइलेंट कर दिया दो सीरियसली वुंडेड इन हिज इनकाउंटर ही कॉन्टिन्यूड टू फाइट अलॉन्ग साइड हिज कॉमरेड्स कॉमरेड्स मीन्स
कंपनी, ठीक है, कॉमरेड्स थ्रू द माइल डीप ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि इतने बुरी तरीके से घायल होने के बावजूद, दो सीरियसली वुंडेड, यद्यपि इतना सीरियसली घायल हुए थे बट वो रुके नहीं, एंड ही कॉन्टिन्यूड हिज टू फाइट अलॉन्ग साइड विद हिज कॉमरेड, अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते गए, दो अ माइल डीप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो इनका ऑब्जेक्टिव था, जो इनका लक्ष्य था, उस तक बढ़ते गए, क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर, और एक एक बंकर को साफ करके, फिर बंकर के बाद बंकर साफ करते हुए, मीन डिस्ट्रॉय करते हुए, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते गए। टुवार्ड्स द नॉर्दर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव वन एनिमी मीडियम मशीन गन ओपन अप फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी ऑफ अ वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग, इन्फ्लिक्टिंग द हैवी कैजुअलिटीज एंड होल्डिंग अप द अटैक, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग से, जो कि वेल फर्निश्ड, वेल फोर्टिफाइड थी, ठीक है, मजबूत किले से, सेकेंड स्टोरी बिल्डिंग से जो है मीडियम मशीन गन चल रही थी, ठीक है, और जो इनके साथियों को पे हमला कर रही थी, इनके साथियों, इनके कंपनीज पे हमला कर रही थी, ठीक है। वंस अगेन दिस गैलेंट सोल्जर विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी एंड द हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर क्रॉल टूवर्ड्स, देखो कह रहा है कि एक बार फिर, एक बार तो इन्होंने बचाया ही था लाइट मशीन गन से, दोबारा जब मीडियम मशीन गन चल रही थी तो फिर इन्होंने खुद की परवाह न करते हुए, ठीक है, इतने भारी बमबारी, गोला बारी बारी गोलीबारी के बीच में ये खुद की परवाह न करते हुए क्रॉल फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ गए, टिल ही रीच्ड द बिल्डिंग एंड लॉब्ड अ ग्रेनेड, लॉब्ड मीन्स थ्रो, ठीक है, थ्रो अ ग्रेनेड थ्रू द लूप होल ऑफ द बंकर, ठीक है, तो बंकर में छेद था और उसी छेद के रास्ते इन्होंने क्या किया, ग्रेनेड फेंक दिया, ठीक है, किलिंग वन एनिमी एंड इंजरिंग द अदर, और एक एनिमी मर गया ग्रेनेड से और दूसरा जो है वो जख्मी हो गया। द मीडियम मशीन गन हावेवर कॉन्टिन्यूड टू फायर, बट जो मीडियम मशीन गन थी वो अभी भी चले जा रही थी, कॉन्टिन्यूड टू फायर, ठीक है, इट वॉज फायरिंग कॉन्टिन्यूअसली विद आउटस्टैंडिंग करेज एंड ग्रीम डिटर्मिनेशन, लैंस नायक अल्बर्ट एक्का स्केल्ड अ साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर, और उन्होंने क्या किया इस बार कि साइड में जो वॉल था, ठीक है, साइड के वॉल से वो बंकर में घुस गए, ठीक है, वॉल पे चढ़ के और बंकर में घुस गए, बिनोटेड द एनिमी हु वॉज स्टिल फायरिंग एंड दस साइलेंस द मशीन गन, और जो एनिमी अंदर अंदर जब घुसे वो, तो जो एनिमी मशीन गन से फायरिंग कर रहा था उसको उन्होंने मार दिया एंड फाइनली ही साइलेंटेड द मशीन गन, और मशीन गन को भी उसने क्या किया, साइलेंट कर दिया। सेविंग फर्दर कैजुअलिटी टू हिज कंपनी एंड एश्योर्ड द सक्सेस ऑफ द अटैक, और इनके इस करने की वजह से, ये करने से उनकी कंपनी पे जो हमले हो रहे थे मशीन गन से वो बंद हो गए, एंड फाइनली दे गॉट विक्ट्री ऑन द ऑब्जेक्टिव, जो उनका लक्ष्य था कि सारे बंकर को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, उसमें वो लोग क्या हुआ, जीत गए, सक्सेस मिला उन लोगों को, ठीक है। इन दिस प्रोसेस हाउएवर ही रिसीव्ड अ सीरियस इंजरीज एंड स्कम्बेड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इस घटना में जबकि उनको सीरियस इंजरी हुई थी, ठीक है ना, सीरियस इंजरी की वजह से स्कम्बेड मीन्स घुटने टेक देना, ठीक है, घुटने टेक देना, ओके, सो स्कम्बेड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एंड अब तक ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के बाद, उस पर कब्जा, उस बंकर पे कब्जा पाने के बाद क्या किया उन्होंने, घुटने टेक दिए एंड देन ही डाइड, ओके। इन दिस एक्शन लैंस नायक अल्बर्ट एक्का डिस्प्लेड द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस वेलर डिटर्मिनेशन एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द
आर्मी, ओके, गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन दिस दिस दिस, कह रहा है कि और ये सारे मतलब इस एक्शन से जो है उन्होंने इस एक्शन से जो है लांस नाइक ने क्या डिस्प्ले किया, मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस वेलर डिटर्मिनेशन एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, ठीक है, सुप्रीम सेक्रीफाइस था इनका, सबसे बड़ा त्याग इन्होंने किया क्या, लाइफ सेक्रीफाइस का, ठीक है, एंड ही वॉज डाइड अल्टीमेटली। एज वी कॉन्टिन्यूड आवर विजिट नाउ द गर्ल इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस टू द बॉय इन लेटर दैट, कि इसके पहले उसने क्या बताया था कि When her teacher was quoting the citation about the Lance Naik, she was motivated and she was inspired that she will become the courageous as Lance Naik was when she will join the army. Okay. As we continued our visit around the National War Memorial, we came across another important installation called Amar Jawan Jyoti. Okay? क्या बता रही है अपनी बात कि जब हम आगे बढ़े अपने विजिट पे, जब हम आगे बढ़े, ठीक है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल पे देन वी केम अक्रॉस अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ से हमारी मुलाकात हुई, हमें मिला देखने, और वो क्या था, अमर जवान ज्योति दैट कमेमोरेट्स आर सोल्जर्स, कमेमोरेट्स मीन्स रिमाइंड स्मरण, ओके, अमर जवान ज्योति दैट कमेमोरेट्स आर सोल्जर्स, ठीक है, तो अमर जवान ज्योति भी क्या है कि उनके याद में, उनके स्मरण में, उनके रिकॉल में बना हुआ है, ठीक है। द नेम एज यू मे हैव गेस्ड रिप्रेजेंट्स एन इमॉर्टल फ्लेम, और जैसे कि इसके नेम से ही ये डिक्लेयर हो रहा है अमर जवान ज्योति, ठीक है, अमर और ज्योति से ही डिक्लेयर हो जा रहा है, पता चल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स एन इमॉर्टल फ्लेम, कौन सा फ्लेम, इमॉर्टल फ्लेम, अनंत ज्योति, ठीक है, जो कि बुझती नहीं है, दैट इज केप्ट अब्लेज ऑल